मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर में कौन क्या है, मगर आप ये समझते हैं, जानते हैं कि शहर में क्या बुराइयाँ हैं। तो ये जो विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये करप्शन और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। शहर में जो करप्शन बढ़ गया है और अन्याय बढ़ गया है, हर छोटा बड़ा गरीब आदमी बड़ा आदमी सभी के ऊपर एक प्रकार का या तो भ्रष्टाचार से तकलीफ है या तो अन्याय से तकलीफ है, परेशान है। और इसीलिए मैं ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं दो बार विधान परिषद में रह चुका हूँ, और ये मेरे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं MLA बनना ही चाहिए, क्योंकि आज मैं पार्टी का स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। मगर उसके बावजूद, क्योंकि शहर में जो माहौल बना है, परिस्थिति बनी है, उसके चलते हुए लोगों का ये कहना था कि साहब इसे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, इसे कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, और आपके सिवा दूसरा आदमी कर नहीं सकता। तो इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, शहर के हित में। शहर के अंदर जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी समस्याएँ बाकी पड़ी हैं, उसे पूरा करना है। टोल नाके का मुद्दा है, टोल नाका हटाना है, मीरा रोड से लोकल शुरू करना है, गार्बेज का डबल टैक्स आपके लगा हुआ है, पानी कम आता है, पानी का टैक्स डबल हो गया है, कप्पर सिंह टैक्स जिसे हमने टाइटल दिया कप्पर सिंह टैक्स। तो ऐसी कई आप हमारे जाहिरनामे में देखेंगे कि ये जो समस्या पिछले 5 साल में जहां है वहीं है, बल्कि बड़ी है, कम नहीं हुई है। तो उसे हमको पूरा करना है, ये हमारा उपलक्ष्य है, और शहर के अंदर के अन्याय और भ्रष्टाचार को मिटाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे इस भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध की जो लड़ाई है, इसमें आप लोग मेरा साथ दोगे और शहर को सुख और शांति प्राप्त करें करवाने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। शहर को और अच्छा शहर बनाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि शहर अच्छी पीढ़ियों से नहीं जाना जाता, शहर जाना जाता है लोक प्रतिनिधियों को। शहर जाना जाता है कि शहर के अंदर किस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। शहर जाना जाता है न्याय और उसके कामों से। तो इसके चलते हुए मीरा भयंदर एक छोटा मिनी हिंदुस्तान है। हर समाज का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का व्यक्ति यहाँ रहता है, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ रहता है। और मीरा रोड की और भयंदर की ये विशेषता रही है कि भले हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा हो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर सुख और शांति रही है। जिसके नाम में ही मीरा हो, जिस शहर के नाम में ही मीरा हो, वहाँ अन्याय नहीं हो सकता। और अगर कोई अन्याय कर रहा है तो वहाँ उस अन्यायकारी का दहन करने वाला भी कोई होना मांगता है। और लोकतंत्र में जो चुनाव होता है कोई एक लड़ाई का मैदान होता है, और उसमें जो सिपाही होते हैं वो जनता होती है, और जनता जिसकी तरफ हो जाती है वो लड़ाई जीत जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दोगे।